अगर आप स्टूडेंट हैं तो समझिए आपके लिए आज एक जैकपॉट है। आपके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपका रैंक अच्छा आएगा, स्कोर अच्छा आएगा, फिर आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, आपके वहां काम आने वाले हैं, फिर जॉब में काम आएंगे, अपने बिजनेस में काम आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में काम आएंगे, किसी भी प्रोफेशन में काम आएंगे। 10 स्किल्स जो एक एक करके अगर आपने जिंदगी में कभी भी जिन पे महारत हासिल कर ली, जब तक आप जिएंगे तब तक ये 10 के 10 स्किल्स आपको टॉप पे रखेंगे एंड दे विल पे यू फॉरएवर। ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है और ये मेरे चैनल के उन कुछ चुनिंदा वीडियोस में से एक है जो सबके लिए है और ये वीडियो सबके काम आने वाला है, सबकी मदद करने वाला है। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप हों, आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, ऐसा बोला जाता है कि आपकी इनकम आपके स्किल्स पर डिपेंड करती है। लेकिन लाइफ में 10 ऐसे स्किल हैं, 10 ऐसी खास क्वालिटीज़ हैं, अगर आप डेवलप कर गए तो ये आपको पूरी लाइफ पे करेंगी और आपको ये पूरी लाइफ टॉप पे रखेंगी। जितना जल्दी आप इन 10 चीज़ों को डेवलप कर लेंगे उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आनी शुरू हो जाएगी और फिर हर लेवल पे आपको इन 10 स्किल्स का लाभ मिलता चला जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो समझिए आपके लिए आज ये जैकपॉट है। आपके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपका रैंक अच्छा आएगा, स्कोर अच्छा आएगा, फिर आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, आपके वहां काम आने वाले हैं, फिर जॉब में काम आएंगे, अपने बिजनेस में काम आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में काम आएंगे, किसी भी प्रोफेशन में काम आएंगे। 10 स्किल्स दैट विल पे यू फॉरएवर। 10 ऐसी स्किल्स, 10 ऐसे कौशल जो एक एक करके अगर आपने जिंदगी में कभी भी जिन पे महारत हासिल कर ली, जब तक आप जिएंगे तब तक ये 10 के 10 स्किल्स आपको टॉप पे रखेंगे एंड दे विल पे यू फॉरएवर। और एक और कमाल की बात, ये 10 के 10 स्किल्स ऐसे हैं जिन्हें आप जब चाहें तब डेवलप करना शुरू कर सकते हैं और कोई भी इंसान अपने आप को इन 10 पे परफेक्ट कभी नहीं बोल सकता। हम सब के सब इन 10 के 10 स्किल पे हमेशा प्रोग्रेस की स्थिति में रहते हैं। तो इन 10 के 10 को गौर से समझिएगा, सारे 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़, 11 लाख से ज्यादा लोगों के साथ ट्रेनिंग और कोचिंग का निचोड़ आज मैं इस खास वीडियो में आपको दे रहा हूं। 10 स्किल्स दैट विल पे यू फॉरएवर। 10 ऐसे कौशल, अगर आप एक बार उन पे महारत हासिल कर गए तो ये आपको पूरी जिंदगी रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, हर जगह काम आने वाले हैं। पहला स्किल, एक्सीलेंट लिसनिंग। एक्सीलेंट लिसनिंग, अगर आप बोले मुझे कि कम्युनिकेट करना है और बात कहनी है, उसके लिए शायद आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन लिसनिंग ये तो ऑटोमेटिक है। भगवान ने आपको दो कान दिए हैं और आपको कुछ सामने वाला बोल रहा है तो आपको सुनना है, इट्स ए नेचुरल एबिलिटी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज पीपल आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वेरी वेरी ऑफन, राइट। और लोगों की जो एक अटेंशन और लोगों की जो एक सुनने की क्षमता है ना, वो कम होती चली जा रही है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ सुनने की एक्टिंग करते हैं, असली में पता है वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सामने वाला बोलना बंद करें और अब वो बोलना शुरू करें। लेकिन लिसनिंग इज़ एन एक्सीलेंट स्किल। पीपल रिस्पेक्ट दोज हु लिसन, राइट। जो लोग ठीक से बातों को सुनते हैं ना, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप सुनेंगे तो आप कमाल की नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, सामने वाले को आप जितना सुनेंगे उतना आप अपने बेहतर जवाब दे सकते हैं। दलाई लामा ने एक कमाल की बात कही एक बार कि अगर आप बोलते रहेंगे तो आप वो दोहराएंगे जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो फिर संभावना है कि शायद आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो पहली चीज इज एक्सीलेंट लिसनिंग। दूसरी स्किल जो आपको हमेशा पे करेगी, दैट इज राइट बॉडी पोस्चर। राइट बॉडी पोस्चर, जब आप चलें तो योर हेड शुड बी हाई, योर शोल्डर्स आर बैक, चेस्ट फ्रंट, एंड योर वॉकिंग फास्ट। जब आप बैठें तो आप बैठें इस तरह से जिस तरह से आप पूरे अलर्टनेस के साथ बैठ पाएं। यू नो, यू शुड सिट इरेक्ट, यू शुड सिट स्ट्रेट। एवरी टाइम योर बॉडी पोस्चर टॉक्स अ लॉट अबाउट यू, राइट। हज़ारों किताबें लिखी गई हैं बॉडी पोस्चर के बारे में, लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहें इस बात से कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है और उसको लगातार आप बेहतर बनाते चले जाएंगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन योर करियर। योर पर्सनैलिटी विल लुक एंटायरली डिफरेंट विद वन सिंगल चेंज इन योर बॉडी पोस्चर। तीसरा स्किल जो आपको महारत हासिल करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीख सकते हो, इसे मैं बोलता हूँ NoEBC। NoEBC। ई क्या है? ई है एक्सक्यूजेस, बहाने। बहाने मत बनाइए।
जिंदगी में आपको दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, या तो बहाने या तो फिर कामयाबी। जो बहाने बनाते हैं उनसे कामयाबी कोसों दूर भागती है। सो नो एक्सक्यूज। बी है ब्लेम। ब्लेम मतलब इल्ज़ाम लगाना। मैं कर तो देता लेकिन सरकार ने ऐसा कर दिया, मौसम ने ऐसा कर दिया, म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा कर दिया, मेरे पड़ोसियों ने ऐसा कर दिया, मेरे स्कूल अच्छे नहीं थे, मेरे कॉलेज अच्छे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? दीज आर ब्लेम्स। एंड ब्लेम्स आप पूरी ज़िंदगी करते रहिए, शायद कोई आपको सिंपथी दे दे, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कामयाबी मिलने वाली नहीं है। सो नो ब्लेम्स। एंड नंबर सी इज कंप्लेन। शिकायत करते रहना, शिकायत करते रहना। हर जगह वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, यहाँ पानी खराब है, यहाँ लोग खराब हैं, यहाँ ये खराब है, यहाँ वो खराब है, ये किताब तो बहुत अच्छी है पर, ये मूवी तो बहुत अच्छी थी पर, यू नो दे आर फॉल्ट फाइंडर्स, दे आर कंप्लेनर्स, प्रोफेशनल कंप्लेनर्स। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ रिमेंबर दिस, नो EBC, नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम, नो कंप्लेंट। बहाने नहीं बनाएंगे आप, इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे आप, शिकायतें नहीं करेंगे आप। चौथा स्किल जो आपको डेवलप करना है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। जिंदगी में समय एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास सबसे कम है, लेकिन हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग का बिहेवियर ऐसा रहता है जैसे हमारे पास अनलिमिटेड समय अवेलेबल है। जिंदगी में आप जो चाहें वो करिए, लेकिन आज का ये दिन दोबारा आने वाला नहीं है, सो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। ये जो जिंदगी है ना, याद रखना ये भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इस जिंदगी के साथ करते क्या हैं वो हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। और आपको भगवान ने सिर्फ एक चीज दी है अपना बेस्ट करने के लिए, वो क्या है? समय। आज का जो ये दिन आपको मिला है ये गॉड गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों को आज की सुबह देखने का मौका भी नहीं मिला। यू गॉट दिस टुडे, सो इफ यू गॉट दिस यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम। पांचवी आदत डाल लीजिए आप, अनस्टॉपेबल रहेंगे पूरी जिंदगी, दैट इज गिविंग योर 110%, 110% देना। ये मैंने शायद आज से 20-25 साल पहले मेरी नानी से सीखी थी, और उसके बाद एक दो और कोचेस थे जिनसे मेरे को ये सुनने का मौका मिला। वो क्या है? जिंदगी में जो ज़रूरी हो, जो तुमसे करने की उम्मीद की जाए, तुम उतना करो और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो 100% तो सब कर लेंगे, तुम्हें करना है 100% से थोड़ा सा ज़्यादा, क्या 10% ज़्यादा। सो डोंट गिव योर 100%, गिव योर 110%। रोज़ अगर आप 10% एक्स्ट्रा देंगे तो महीने के बाद आप टोटल कितना एक्स्ट्रा दे देंगे? 300%। साल के बाद आप कितना एक्स्ट्रा दे देंगे? 3650%। और फिर ये धीरे धीरे कंपाउंड करने लगेगा एंड यू विल बी एट द टॉप। और फिर लोग बोलेंगे पता नहीं यार ये यहाँ कैसे पहुँच गया। आपको मालूम है आप कैसे पहुँचे? आपने वो किया जो सब करते थे, जो करने की आपसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन उसके बाद आपने किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एंड दिस एक्स्ट्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिक्स, कॉन्स्टेंट लर्निंग। कॉन्स्टेंट लर्निंग, लर्निंग इज ग्रोथ। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे नहीं। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में हों, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप इंश्योरेंस सेल्स में हैं, यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर अ कुक, यू आर अ योगा टीचर, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अगर आप सीखेंगे नहीं, अगर आप कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करेंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे ना, तो यू विल बी आउट ऑफ द गेम। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो दोनों काम करेंगे आप, यू विल सर्वाइव एंड यू विल थ्राइव। कोविड से पहले ऑनलाइन मीटिंग्स ऑप्शनल थी, बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते थे, लेकिन आज की डेट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बात करते करते आपको जूम का लिंक भेज देते हैं और बोलते हैं ठीक है आइए बात करते हैं जूम पे और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शायद ऐसा लग रहा है एक दिन कोविड ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं ऑफलाइन करूँगा, फिर मैं ऑनलाइन करूँगा, सीखने की क्या ज़रूरत है। ये लोग कामयाब भी नहीं होंगे और एक दिन गेम से बाहर भी हो जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड, इफ़ यू वांट टू थ्राइव, यू नीड टू लर्न कॉन्स्टेंटली। सातवां, तैयारी, प्रिपरेशन। दिस इज माई फेवरेट। चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई ज़रूरी काम हो, तैयारी की इंपॉर्टेंस होती है यार। अगर आप तैयारी करेंगे ना तो आप कमाल कर सकते हैं। हर वीडियो से पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसकी रिहर्सल करता हूँ, हम लोग लाइट्स को बराबर लगाते हैं, माइक्स को बराबर सेट करते हैं, हम लोग दो तीन लोग मिलकर इस वीडियो को शूट करते हैं। यू नो आई ड्रेस अप इन अ टाई, आई वेयर माई सूट एंड वी गिव यू आर बेस्ट शॉट। व्हाई? बिकॉज वी बिलीव प्रिपरेशन लीड्स टू सक्सेस। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाते पता है? क्योंकि हर इंसान कामयाबी के लिए तैयारी करना नहीं चाहता है। यू नीड टू डू प्रिपरेशन। इफ यू आर रेडी टू प्रिपेयर, यू कैन अचीव एनीथिंग, एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। और अगले तीन भी आप गौर से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने 10 के 10 स्किल आपको दिए हैं ना, इन पे बहुत मेहनत की है मेरे, आप मानिए 18 साल से ज़्यादा के करियर का निचोड़, 11 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आठवां स्किल जो आपको ज़रूर डेवलप करना है, दैट इज़ बीइंग कंसिस्टेंट।
बीइंग कंसिस्टेंट। शुरू करना बहुत आसान है, रोज शायद हजारों या लाखों यूट्यूब चैनल शुरू होते हैं लेकिन एक महीने के बाद दिखाई भी नहीं देते हैं। कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें शुरू करते हैं, अपने नए पेज बनाते हैं, देन दे क्विट। सो मेनी पीपल स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बट देन दे क्विट। सो मेनी पीपल स्टार्ट देयर साइड हसल देन दे क्विट। सो मेनी स्टूडेंट्स दे ट्राई सो मेनी न्यू थिंग्स, सो मेनी पीपल ट्राई एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, आई मीन पीपल क्विट। सो इफ यू बिकम मास्टर ऑफ कंसिस्टेंसी कि आप जो करते हैं उसको आप लगातार करते हैं, आप छोड़ते नहीं हैं, आप कामयाब जरूर होंगे नंबर एक। दूसरी कमाल की चीज, आपकी रेप्यूटेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आपके आसपास वाले लोगों को ये मालूम है अगर दीपक बजाज ने कुछ बोला है तो फिर वो करेगा, और अगर उसने आज एक चीज़ को शुरू किया है तो फिर वो हर हफ्ते करेगा, लगातार करेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे 400 से ज़्यादा वीडियो हैं। वाई 400 प्लस वीडियो, हाउ आर दे क्रिएटेड? हम लोगों ने इस चैनल को शुरू किया था सितंबर 2018 में और तब से लेके आज तक वी आर कमिटेड ऑन वन सिंपल थिंग, क्या? एवरी वीक 2 वीडियोस वी विल पोस्ट ऑन दिस। पहले हफ्ते 2 हुए, फिर 2 हुए, फिर 2 हुए, एक महीने के बाद करीब हमारे पास 9 वीडियोस थे। एंड नाउ आई डोंट नो व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बट व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो वी हैव क्लोज टू 410 वीडियोस, 410 से ज़्यादा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। हाउ डिड वी बिल्ड इट? कंसिस्टेंटली। हर वीडियो मिलियन व्यूज पे नहीं गया, कुछ एक वीडियोस है जो शायद हमारी ऑडियंस को उतने अच्छे नहीं लगे, आई डोंट नो द रीज़न, बट आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा मैंने उसके हिसाब से अपने मूड को ऑन ऑफ नहीं किया और उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा डिसाइड नहीं किया। वंस आई डिसाइडेड आई विल स्टार्ट पुटिंग वीडियोस ऑन माय चैनल, आई कंटिन्यूड कंसिस्टेंटली एंड यू नीड टू डू दैट। नंबर 9, बीइंग पंचुअल। बीइंग पंचुअल, समय पर आना। अगर आप 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते तो आपको कम से कम समय पे जरूर पहुंचना चाहिए। पंचुअलिटी इज एन एसेट। जब आप समय पे जाते हैं तो आप क्या दिखाते हैं सामने वाले शख्स को? कि आप उनकी कदर करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप लेट आते हैं तो आपकी मीटिंग कहां से शुरू होती है? सॉरी। और आपका लेट आना ये क्या दर्शाता है? कि आप इस मीटिंग के लिए सीरियस नहीं है, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। एंड नोबडी लव्स टू डू बिजनेस विद पीपल हु डोंट केयर फॉर अदर्स, हु डोंट वैल्यू देयर टाइम। So being punctual is something you need to develop. I mean 101%, जितना जल्दी आप कर पाएं उतना जल्दी करिए, but you need to develop punctuality. And last but not the least, 10th quality, 10th skill that you need to develop is patience. धैर्य, धैर्य रखिए, चीजें समय लेती हैं। बीज से पेड़ बनने के बीच में कुछ समय होता है। The day you sow the seed is not the day you reap the fruit. जिस दिन आप बीज को ज़मीन में डालते हैं उस दिन आप फसल नहीं काटते हैं। You don't get your fruits that day. There is a process, there is time. Everything takes time, right? So धैर्य रखिए। लेकिन धैर्य का मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है कि आप अपना काम लगातार करते रहिए और आपका नंबर आएगा, आपको कामयाबी मिलेगी, ये सुनिश्चित है, ये तय है। सक्सेस मे बी डिलेड माई फ्रेंड बट सक्सेस विल नॉट बी डिनाइड। कामयाबी देरी से मिल सकती है बट कामयाबी नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता है। सो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। तो ये थे 10 स्किल्स। आप इन 10 स्किल्स के ऊपर अपने आप को रेट करिए। इन 10 को अभी के अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी डायरी या किसी पेन में या अपने मोबाइल में नोट करिए 10 स्किल्स दैट विल पे यू फॉर एवर। और मैं आपको अक्सर हर वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूँ लेकिन इस वीडियो के लिए मैं खासतौर पर आपको जरूर बोलूंगा, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। वी नीड टू टेल पीपल व्हाट आर द 10 स्किल्स दैट विल पे देम फॉर एवर। जल्दी से आपके लिए समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, एक्सीलेंट लिसनिंग। नंबर 2, आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, राइट बॉडी पोस्चर। नंबर 3, नो EBC, नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम, नो कंप्लेन। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। नंबर 5, गिविंग योर 110%, जो उम्मीद की जाए वो करो और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। नंबर 6, कॉन्स्टेंट लर्निंग, लगातार सीखना, बढ़ना। नंबर 7, हर मीटिंग और हर काम से पहले तैयारी करना, प्रिपरेशन। नंबर 8, बीइंग कंसिस्टेंट। बीइंग कंसिस्टेंट, आपने कुछ शुरू किया तो आप लगातार करेंगे। नंबर 9, बीइंग पंचुअल, समय पे आना। एंड नंबर 10, वेरी सिंपल, धैर्य, पेशेंस। इन 10 स्किल्स को एक एक करके डेवलप करना शुरू करिए। आज आप डिसाइड करो इनमें से कौन से वो 3 स्किल ऐसे हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और अगर आपने उन 3 को डेवलप कर लिया आपकी जिंदगी में विजिबल पॉजिटिव चेंजेस तुरंत होने शुरू हो जाएंगे, और उन 3 पे आज के आज काम करिए। 10 के 10 पे इंप्रूवमेंट एक साथ अभी मत शुरू करिए, अभी आप कोई भी 3 चुनिए, इन 3
महीनों पे काम करना शुरू करिए और धीरे धीरे करके वी विल स्टार्ट इंप्रूविंग एंड वी विल बिल्ड योर स्किल्स. स्टार्ट पिकिंग अप मोर एंड मोर स्किल्स एंड स्लोली आफ्टर 3 to 6 मंथ्स यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, राइट. एंड आई हैव वन ड्रीम, आई हैव वन लाइफ मिशन, आई वॉन्ट सी यू एट द टॉप. मैं आपको जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए चमकते हुए देखना चाहता हूं. आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका देश, इन सबको आप पे नाज होना चाहिए. आपको ऐसा काम करना है और जब तक वहां ना पहुंच जाओ तब तक रुकना मत. कीप शाइनिंग. गॉड ब्लेस यू. वी विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर. लव यू गाइस.